फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए। बीटीयूपी स्टूडेंट्स के लिए एक संकट बना हुआ है, एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। इस बीच बीटीयूपी कुछ ऐसे नोटिस निकाल रहा है जिसको देखकर लग रहा है एग्जाम हो जाएगा, और जो सोशल मीडिया पे इस तरीके की खबरें आ रही है उनको देख के लग रहा है आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। यहाँ पर काफी सारी अपडेट निकल के आई है। देखिए, नोटिस ऑफिशियली है, सभी के लिए भेजा गया है, प्राथमिक शिक्षा परिषद यूपी गवर्नमेंट सभी के लिए भेजा गया है। बात करेंगे नोटिस कब आया है, 26 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया है, और इस नोटिस का मतलब क्या है। देखिए, प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा संपन्न कराए जाने वाली परीक्षाओं को सुचितापूर्ण ढंग से आयोजित किए जाने के परीक्षा केंद्र बनाए जाने के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया। आपके एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में नोटिस जारी किया, पूरा वीडियो जरूर देखें, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि सर हमारा एग्जाम मान लो 7 से हो गया तो हम क्या करेंगे, या फिर हमारा 25 से होगा, क्या है सचिव जी ने पहले कुछ बोला था अब कुछ और हो रहा है, ये सारी चीजों को मैं बताऊंगा। उससे पहले चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, पीडीएफ मॉडल पेपर के लिए हमारी क्लासेस लगातार चलाई जा रही है, सारे मॉडल पेपर आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। कल मैंने पीएलसी की क्लास लिया था, उसके बाद देखिए मशीन की क्लास लिया था, लगातार क्लासेस रेगुलर चलाई जा रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए कल आपने देखा था जावेद सर बोले थे कि आपका एग्जाम है वो 25 जनवरी से होगा, जैसे कि जावेद सर बोल चुके थे, और जो सचिव का आदेश भी आया था उन्होंने बताया था कि आपकी जो एग्जाम है, अब जो सचिव का आदेश आया है वो 25 जनवरी से आपके एग्जाम कराए जाएंगे। लेकिन बीटीयूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है इसको लेकर, न्यूज़पेपर में आ चुका है, सोशल मीडिया पे सचिव जी ने बोल दिया है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस कब तक आएगा मैं आपको वो भी क्लियर कट बता दूंगा। ऑफिशियल नोटिस है वो 3 या फिर 2 जनवरी को आ जाएगा, 3 या फिर 2 जनवरी को आपका ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा एग्जाम पोस्टपोन को लेकर, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है ये कल नोटिस निकल के आया था, एग्जाम सेंटर बारे में बात करेंगे, पहले आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। छात्र बोले, हो रहा है मजाक, हमारा फेल होना तय है। भाई, जो फर्स्ट ईयर के छात्र आए हैं ना, तो उनका सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो वो कह रहे हैं हमारा फेल होना तो तय है, तो वो चीजें हैं यहाँ पर निकल के आई हैं। और सचिव बोल चुके हैं कि आपका एग्जाम 25 जनवरी से कराया जाएगा, लेकिन वेबसाइट पर अभी वही पुराना वाला टाइम टेबल है, उसको कब तक रिन्यू किया जाएगा, वो 3 जनवरी तक आपका नया टाइम टेबल आ जाएगा, उससे पहले भी हो सकता है 31 के बाद जारी कर दिया जाए। बीटीयूपी की साइट पर एक नया नोटिस जारी किया गया है एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर, इसमें मैं अभी डिस्कस करूंगा, है ना, वो सारी चीज डिस्कस की जाएंगी, ठीक है, चलिए उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग यहां देख सकते हो ऑफिशियल नोटिस में मेंशन है कि जो आपके एग्जामिनेशन परीक्षा केंद्र बनाए जाने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। अब आप लोग तैयारी करते रहो, एग्जाम होगा नहीं होगा उसके बारे में कोई भी कंफर्म नहीं है, है ना, लेकिन इतना कंफर्म है 7 से नहीं होगा, क्योंकि अभी तक काफी सारी चीजें ही निकल के नहीं आई है, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर यह ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। इसमें बताया जा रहा है, पहला नंबर पॉइंट ये है कि परीक्षा केंद्रों को निर्धारण हेतु अनिवार्य जो मानक चीजें हैं क्या क्या रखी गई है। देखिए, प्रत्येक जनपद में जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में परीक्षा केंद्र अनिवार्यता बनाए जाएं, परीक्षा केंद्र की बात चल रही है, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर बनाने की बात चल रही है बोर्ड में। अब देखना यह आगे क्या होता है, अभी तक तो आपका एग्जाम 7 जनवरी से प्रस्तावित है, लेकिन सचिव बोले हैं कि 25 जनवरी से होगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से, ठीक है, ये चीजें हैं। देखो, किसी भी जनपद में परीक्षार्थियों को यहाँ पर कम से कम 10 से लेकर 15 किलोमीटर की परिधि में ही सेंटर बनाए जाएं, जैसा कि यहाँ देख सकते हो, और बताया जा रहा है कि विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं एक ही बार में परीक्षा केंद्र जो निर्धारण लिया जाए, सम सेमेस्टर जो भी होता है, और जो मतलब निजी पॉलिटेक्निक संस्थान है उनको छोड़कर जो विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं उनको केंद्र बनाया जाए। यहाँ पर देखिए जो वर्ष प्रत्येक निकल के आता है इसमें देख लीजिए आप लोग, नकल की समस्या को यहाँ पर बड़े बड़े स्तरों पर परीक्षा केंद्र बना जा रहे हैं, नकल ना हो भैया वहां पर, इस तरीके की समस्या, फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, बहुत बड़ा नोटिस है, सब कुछ बताने वाले, वीडियो को स्किप ना करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष के जो परीक्षा केंद्रों के अधीनस्थ प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर इस तरीके की मतलब वहां पर सकुलता होनी चाहिए, जो आपके बाउंड्री होनी चाहिए, सब तरीके से बताया जा रहा है कि क्या क्या है, और मानक रूप से अनुपान चिन्हित जो आपका है, सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाए हर कमरे में, और देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है ये चीजें ध्यान से देख लीजिए आप लोग, सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाए हर कमरे में, और पीने पानी की व्यवस्था हो, परीक्षा केंद्र जो आपके हैं हर तहसील समीप बनाए जाए जिससे बच्चे को जान में परेशानी ना हो, सेंट्रल लिस्ट को, अब सेंट्रल लिस्ट तो नहीं आई है लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर का काम चालू हो गया है, ये सचिव जी ने नोटिस जारी किया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। प्रत्येक जनपद में जो परीक्षा केंद्र है उनके लिए यह पूर्व चयनित जनपद में जो आप लोगों के हैं वो इस तरीके से बताया जा रहा है, जिला अधिकारी अध्यक्ष जो यहाँ पर राजकीय पॉलिटेक्निक नोडल अधिकारी हैं, वो सचिव सदस्य जो भी रहेंगे वहां के, वो इस तरीके से लागू की गई है, और जो परीक्षा केंद्र पर
कुल परीक्षार्थियों की बैठने की क्षमता इस तरीके की रहनी चाहिए, परीक्षा केंद्र पर इस तरीके की सारी चीजें हों, अध्यापकों लिपिक द्वारा ये सबको जारी किया गया है। ठीक है, देखो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन आप पूरा जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। परीक्षा केंद्रों पर जो आप लोगों के तीन वर्षों में आयोजित कराई गई परीक्षाओं की संख्या, परीक्षार्थियों की संख्या होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र तक जो भी आपकी है पतली गली इस तरीके की गली वगैरह हो, जो आप लोगों की परीक्षा केंद्र तक जाने की यातायात की सुविधा अच्छी हो, परीक्षा केंद्र संस्था में कक्षों की संख्या हो, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो परीक्षा केंद्र के परीक्षा तलों की स्थिति भी इस तरीके से होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र वो है आप लोगों के, है ना, तो केंद्र की स्थिति अच्छी हो, परीक्षा केंद्र पर फर्नीचर ये सारी चीजें, बिजली वगैरह की समस्या ना हो, और सारी चीजें जारी की गई हैं, और यहाँ पर ये जनरेटर वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। ये भेजा गया है वेबसाइट पे, सचिव ने जारी किया है और सभी कॉलेजों के लिए भेजा गया है, जो मतलब कहाँ का सेंटर रुकेंगे। अब ये पूरा लिस्ट बना रहे हैं, अब देखना ये आपका एग्जाम 700 हो पाएगा कि नहीं। सचिव बोले हैं कि 2500 होगा, इसमें कन्फ्यूजन बना हुआ है, ये दुख हमारा काय खत्म नहीं होता, कभी एग्जाम 700 होगा कभी 800, इस तरीके की परफॉर्मेंस निकल के आती रहती है बच्चों के सामने। ठीक है, देखो तैयारी करते रहो, एग्जाम होगा नहीं होगा वो बात अलग है, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से परीक्षा केंद्र का प्रोफार्मा तैयार किया जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से सारी चीजें आप देख सकते हो। परीक्षा केंद्र की तैयारी चालू कर दी गई है बोर्ड ने, परीक्षा केंद्रों पर इस तरीके के तीन वर्ष की जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर जारी की गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये देखो है ना, ये देखो सबको जारी कर दी गई है कि कैसे क्या है, पूरा ब्यौरा होना चाहिए। अब इसकी जो ऑफिशियल लिस्ट कब जारी होगी, जब परीक्षा केंद्र का काम चालू हो गया तो ऑफिशियल लिस्ट मान लीजिएगा आप लोग 2-3 तारीख में लगभग आ जाएगा, और जैसे ही आएगा हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा देंगे पूरे यूट्यूब पर गारंटी के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, वो बात अलग है कि कम व्यूज आए लेकिन हम पूरे कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सबसे पहले मतलब वीडियोज के माध्यम से जानकारी दी जाए, है ना, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर भी कम है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट पीडीएफ मॉडल पेपर हम देते रहे। ठीक है, ये चीजें हैं, देख लो आप लोग, है ना, ये सचिव के सिग्नेचर हैं, जो हमारे विशेष सचिव हैं, विशेष सचिव हमारे कृपा शंकर जी हैं, देखिए विशेष सचिव कृपा शंकर जी हैं राजकीय पॉलिटेक्निक के सभी मतलब, और जो हमारे प्रमुख सचिव हैं वो हमारे सुभाष चंद्र शर्मा जी हैं, जैसा कि आप यहाँ नोटिस के माध्यम से देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है आप लोगों के जो एग्जामिनेशन सेंटर है, और इसमें एक बात और यहाँ पर मेंशन आउट की गई है कि जो परीक्षा केंद्र है का वर्गीकरण सूचना सहित परीक्षा केंद्र की यहाँ पर सूची है वो, यानी कि लिस्ट है, प्राथमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश नकलों को 15 दिन में उपलब्ध कराएंगे। कहने का मतलब आज देख लो, आज आपका 26 तारीख को नोटिस आया है, 26 + 15 जोड़ लो कितने हो गए, यानी कि 4 इधर आपके हो गए, यानी 10 तारीख तक, 10 जनवरी तक जब आपकी एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी बीटीयूपी बोर्ड में, तो आपके एग्जाम 7 जनवरी से कैसे हो पाएंगे कमेंट में हमें बता दीजिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं लेकिन हो नहीं पाएंगे, मेरा तो अनुमान यही कहता है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा, आप लोग तैयारी करते रहो, एग्जाम आगे बढ़े नहीं बढ़े, वैसे तो बढ़ेगा कन्फर्म है, जावेद सर भी बोल चुके हैं और न्यूज पेपर में भी आया है। आज की इस वीडियो को इंप्रेंट करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।